तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि जानते हैं कि क्यू बेसिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं इस समय, तो आज की ये वीडियो क्यू बेसिक की है और क्यू बेसिक में व्हाइल एंड लूप के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग पाइथन के अंदर व्हाइल लूप यूज करते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर व्हाइल लूप यूज करते हैं, जावा के अंदर व्हाइल लूप यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक लूप होता है जिसे कहते हैं व्हाइल एंड। कैसे इसको यूज करेंगे चलिए ये समझते हैं। आपने विजुअल बेसिक अगर यूज किया होगा, यहाँ पर हम पहले डिम लिखते हैं वेरिएबल बनाने से, फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया जाता है, तो हमने ए दे दिया है, एज इंटीजर कर देते हैं। अगर आप और देना चाहते हैं इंटीजर के अलावा तो आप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पे cls कमांड स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैं यूज करूंगा cls, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा cls इस तरीके से, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आएंगे, अब यहाँ ए में इनिशियलाइज कर देता हूं क्या, वन, ठीक है, क्या इनिशियलाइज करूंगा, वन, एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद यहां पे लिखूंगा वाइल, डब्ल्यू एच आई एल ई, वाइल, ठीक है। ए इज लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, 9 टाइम ये चलेगा, ठीक है, 9 टाइम चलेगा तो होगा क्या, ठीक है, उसको यहां पर अब डिफाइन करने जा रहा हूं। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं देता हूं प्रिंट पी आर आई एन टी और यहां पे अपना नाम प्रिंट करा देता हूं, ठीक है। तो ये लिखा इस तरीके से और ये अपना नाम प्रिंट करा रहा हूं और यहां पे एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर अब हमें इंक्रीमेंट भी कराने की जरूरत है, इंक्रीमेंट ए में वैल्यू है 1, इसको एक एक करके बढ़ाना, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिख देते हैं, बात बराबर है, ठीक है। और यहां पर लास्ट में आपको यूज करना होता है वेंड, डब्ल्यू ई एन डी। अब इसको चलाते हैं जरा, देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर एक फाइल बनने लगी है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और ये देखिए कितने टाइम ये मेरा नाम यानी सुभाष तिवारी प्रिंट करके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, लेस देन किया ना, इसीलिए 9 टाइम। अगर लेस देन इक्वल टू कर दिया तब क्या होगा, भाई ये भी तो एक सवाल है कि लेस देन इक्वल टू करने पे क्या होगा, तो लेस देन इक्वल टू में 10 टाइम आएगा, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 10 किया तो यहाँ पर देखिए अब 10 टाइम प्रिंट करेगा, यही नेम जो है 10 टाइम प्रिंट करेगा। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हो गया ना। इस तरीके से व्हाइल एंड लूप का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसके जगह आप कुछ भी करा सकते हैं प्रिंट, समझ में आई बात। जैसे मान लीजिए मैंने तो अपना नाम प्रिंट कराया, आप यहाँ पे इंडिया लिख सकते हैं या कुछ भी ऐसा जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर रेपिटेशन के लिए लूप को यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए आई एन डी आई इंडिया लिख दिया और इसको कंट्रोल एस कर दिया, या देखिए यहाँ पे कंट्रोल एस कर रहा हूं तो यहाँ पे एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, बी ए एस, तो इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट बी ए एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं लूप डॉट बी ए एस, ये लिख दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहां से आप फाइव करेंगे तो ये चलने लगेगा प्रोग्राम आपका, ठीक है। देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया और देखिए इंडिया ही प्रिंट होने लगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी व्हाइल एंड लूप का यूज, ठीक है।